तो आज जो बात करेंगे सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर के बीच में जो आपको मुकाबला देखने को मिलने वाला है, उसमें क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या प्लेइंग इलेवन रहेगी, ए टू जेड डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं और एक अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पहले हम स्टार्ट देखते हैं, फिर हम प्लेइंग इलेवन को समझेंगे कि कौन सा प्लेयर कब बैटिंग करता है, फर्स्ट नंबर पर कौन बैटिंग करने आएगा, थर्ड पर कौन करेगा, फोर्थ पर कौन आएगा, फाइव पर कौन आएगा, सिक्स पर, सेवन पर। तो ए टू जेड हर एक टीम की हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, जो कि एक बेसिक नॉलेज है। आपको मैच लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर बैंक्रॉफ्ट खेल रहा है तो बैंक्रॉफ्ट कब बैटिंग करता है, अगर जोश फ्लिप खेलता है तो जोश फ्लिप कब बैटिंग कर रहा है, तो अगर जो है आपका सीनोबोट है, डेविस है, जैक एडवर्ड्स है, जॉर्डन सिल्क है, तो ये सब कब बैटिंग करने आने वाले हैं। देखो ये कोई इंडियन टीम्स तो है नहीं, जैसे मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है या फिर इंडिया और श्रीलंका का मैच है, जब कोई बहुत ही बड़ा फेमस मैच है जिससे हमें सबको पता होगा कि भाई विराट कोहली तीसरे नंबर पर आएगा, फर्स्ट नंबर पर रोहित शर्मा बैटिंग करेगा, ओपनिंग में आएगा, तो ऐसा तो जहां पर है नहीं। ठीक है ना, तो ये सब जानना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है दोस्तों। तो अब बात करेंगे सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर के बीच में जो मुकाबला होगा, THU वर्सेस SIX, जिसमें वेन्यू जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम सिडनी में। ठीक है, हेड टू हेड की अगर बात करें दोस्तों कि हेड टू हेड रिकॉर्ड में क्या रहने वाला है, तो लगभग सिडनी थंडर की जो टीम है THU की, वो 7 मुकाबले विन करके गई है और जो सिडनी सिक्सर की टीम है उसने टोटल 16 मुकाबले विन किए। मतलब क्या है इसका, इस पूरे का तो इसका यही मतलब, जब ये दोनों टीम्स आपस में टकराई हैं, जिनका मैच आज आपको देखने को मिलेगा THU वर्सेस SIX का, तो सबसे ज्यादा बार जो जीती है वो सिडनी सिक्सर जीती है, क्योंकि वो 16 मुकाबले विन कर गई है और जो आपकी सिडनी थंडर है वो सिर्फ 7 ही मुकाबले विन कर पाई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में दोनों ने पिछला मैच अपना हार कर आ रही है, ना ही अपना मैच पिछला सिडनी थंडर ने जीता है, ना ही पिछला मैच जो है रिसेंट का, ना ही सिडनी सिक्सर ने जीता है, तो दोनों टीम्स हार का सामना करके आ रही हैं। बाकी T20 अगर डोमेस्टिक की बात करें कि बिग बैश के जहाँ पर कितने मुकाबले हुए हैं टोटल इस ग्राउंड पर, तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, लगभग 33 मुकाबले आपको जहां पर देखने को मिलेंगे जो कि इस ग्राउंड पर हुए हैं। बाकी बैटिंग फर्स्ट की अगर बात करें तो दोस्तों 17 मुकाबले विन किए हैं बैटिंग फर्स्ट ने, और बैटिंग सेकंड ने जो मुकाबले विन किए हैं वो 16 मुकाबले विन किए हैं बैटिंग सेकंड ने, तो ये आप जहां पर देख सकते हो, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 16 और 17 का डिफरेंस है बैटिंग फर्स्ट और सेकेंड का, तो जहां से आपको ये अंदाजा हो जाता है कि भाई 17 और 16 का है, तो इसका मतलब टॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, टॉस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे टॉस सिडनी थंडर जीते या टॉस जो है SIX की टीम सिडनी सिक्सर जीते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो फर्क है वो 16 और 17 का ही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, टाई जहां पर कोई भी मुकाबला नहीं हुआ है, एवरेज फर्स्ट इनिंग बैटिंग स्कोर की अगर बात करें तो 150 प्लस जहां पर एवरेज बैटिंग स्कोर है दोस्तों। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर है जो ब्रिस्बेन हेट का है 203 5 विकेट के नुकसान पर, लोएस्ट स्कोर है जो सिडनी थंडर का है 15 रन 10 विकेट के नुकसान पर। भाई देखो लोएस्ट स्कोर तो देखो एक बार लोएस्ट स्कोर जरूर देखो, ये मैच पिछले बिग बैश का मैच और ये मैच मैंने खुद कवर किया था, ये ऐसा मैच था जिसमें सभी के पैसे डूबे थे, क्योंकि जो सिडनी थंडर की टीम थी वो 15 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी, 15 रन पर उसके 10 विकेट चले गए थे, और ये आंखों देखा हाल बता रहा हूं कि इतना बुरा हुआ था ना, मतलब कि ग्रैंड लीग तो उस दिन किस्मत वाला ही लेकर गया था। ठीक है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि 15 रन पर जो है ऑल आउट हो जाएगी टीम, तो भाई ऐसा भी क्रिकेट में होता है, कभी भी ये मत सोचना कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, मुझे 100% श्योरिटी है कि ये नहीं हो सकता, भाई होता है। अब ये किसी ने सोचा है कि 15 रन पर 10 आउट हो जाएंगे, और ये पिछले बिग बैश में हुआ है, आंखों देखा हाल है भाई। ठीक है, तो हमेशा क्रिकेट में ऐसा है जो आपने सोचा भी नहीं होता वो हो जाता है, आपने देखा होगा कि 6% वाला ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाता है
और जिसका 88% होता है वो ड्रीम टीम से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यही क्रिकेट है, इसमें लक भी फैक्टर काम करता है, प्लस आपकी मेहनत प्लस आपका जो है लक फैक्टर भी काम करता है। दोनों चीजें आपको चाहिए, सिक्स सेंस, लक फैक्टर आपका, ठीक है, जो आप दोनों मान सकते हो। बाकी आपकी मेहनत है कि आपने रिसर्च कितनी की है और क्या सिस्टम है, आपने मैच को कितना जाना है, कितना समझा है, उस हिसाब से लक भी आपका साथ देता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जहां पर स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न क्या रहने वाला है, जो 150 से नीचे का स्कोर बना है 13 बार और 150 से 170 के बीच में स्कोर बना है 11 बार। ठीक है, 170 और 190 के बीच में, 80-90 के बीच में स्कोर बना है 7 बार दोस्तों। ठीक है, और 190 से ऊपर का जो स्कोर बना है वो बना है 2 बार। तो आप खुद सोचो दोस्तों, जहां पर 150 से 170 11 बार, 170 से 180-90 के बीच में 7 बार, 190 से ऊपर का 2 बार। ठीक है, तो जहां से आपको क्या अनुमान लगता है, अनुमान आपका ये है कि भाई 150 और 170 के बीच में स्कोर जो है रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां पर बॉलिंग भी अच्छा खासा सपोर्ट में नजर आती है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों पिच रिपोर्ट की, पिच किस तरह से रहने वाली है। तो दोस्तों पिच की अगर बात करें तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर घास पाई जाती है, जिसके कारण बहुत उछाल पाई जाती है। मैच के शुरुआती चरण में पिच पर घास होने के कारण तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल और स्विंग मिलती है। ठीक है दोस्तों, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया की अन्य पिच की तुलना में तेज गति और उछाल युक्त पिच है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच पर घास पाई जाती है, जिसके कारण बहुत उछाल पाई जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल और स्विंग भी मिलती है, जिसके कारण तेज गेंदबाजों को विकेट निकाल सकते हैं। और दोस्तों इस मैच की मैं बॉलर वाली वीडियो भी डालने वाला हूं, तो वो भी देख लेना। काफी भाई पूछते हैं कि भाई आपके दूसरे चैनल का नाम क्या है, तो दूसरे चैनल का मेरा नाम है सजेस्ट CBC। ठीक है, सजेस्ट CBC, इस तरह से अगर आप YouTube पर देखोगे लिखोगे तो आपको मेरा चैनल आ जाएगा, और अगर नहीं तो आप दिन रात क्रिकेट की कम्युनिटी, जो एक ऑप्शन आता है कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर भी दूसरे चैनल का लिंक ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो जहां पर बात करेंगे, तेज गेंदबाज में मैच में पूरी तरह से हावी रहते हैं, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे पिच पर घास खत्म होने के बाद मैच में बल्लेबाज भी आ जाते हैं और चारों तरफ से रन बनते हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की पिच सपाट होने के कारण बल्लेबाज आसानी से रन भी बना लेते हैं और बल्लेबाज तेज गेंदबाजों का सही रणनीति के साथ सामना करना पड़ता है। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, पिच पे एक तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन रखना है, जहां से मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट आपको नोट डाउन रखना है कि भाई पिच जो है, ठीक है, पिच जो है तेज गेंदबाजों के लिए काफी अच्छी है। ठीक है, दूसरी बात है, जैसे फर्स्ट इनिंग हो जाती है तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग जो घास है उखड़ जाती है, जो नहीं रहती है, उसके बाद बैटिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी होने लगती है। मतलब फर्स्ट के जो 5-10 ओवर रहेंगे उसमें काफी ज्यादा विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे, तो आपको डेथ और शुरुआती के बॉलर्स अपनी टीम में जरूर लेकर जाना है दोस्तों। ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखना। अब दोस्तों आइए चलते हैं जहां पर टीम का बनाने का हम देखते हैं कॉम्बिनेशन। बाकी दूसरी बात है कि कौन कौन से प्लेयर आपकी टीम में होने चाहिए, कौन कौन से प्लेयर आपको बाहर कर सकते हो, तो सब कुछ देखेंगे और भाई प्लेइंग 11 को। लेकिन उससे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, इसमें हम हर अपडेट शेयर करते हैं आपके साथ में, आपका क्वेश्चन, हमारा आंसर, सारी चीज़ें इसमें रहती है, टॉस सेशन, लंबी और मैच में कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, ये सब चीज़ें हम इसमें शेयर करते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा तो भी जानेंगे कि प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि प्लेइंग 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी मैच में, कि कौन सा प्लेयर कब बैटिंग करने आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो जहाँ से मैं अभी आपको बता देता हूँ, कल ये मैच आपको देखने को मिलेगा लगभग आपको जहाँ से 1:45 पर ये मैच आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, और आप बोलते होंगे भाई आप बाकी के मैच क्यों नहीं कवर करते हो, तो दोस्तों मैं बाकी के मैच इसलिए कवर नहीं करता हूँ क्योंकि जिस मैच की वीडियो आ रही है समझ लेना उसमें मेरा भी पैसा लग रहा है। ठीक है, इस बात को हमेशा नोट डाउन करना, मैं कोई भी मैच की वीडियो इसलिए नहीं डालता कि मुझे तो भाई यूट्यूब से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं जिस मैच में रिसर्च करता हूं खुद की, उसी मैच की वीडियो डालता हूं, ताकि अगर मेरा पैसा लग रहा है तो तकलीफ मुझे भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप अकेले मरोगे,
अगर मरूंगा तो आपके साथ मेरा भी जाएगा, अगर जीतेंगे तो साथ में जीतेंगे। अगर ग्रैंड लीग के आसपास पहुंचेंगे तो अच्छा है, नहीं पहुंचेंगे एंट्री फीस वापस आएगी, नहीं होगा तो एंट्री भी नहीं आएगी, तो फिर तो हारेंगे भाई। ठीक है, तो सब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं हर मैच डालता फिरूं और आपको बोल दूं कि भाई लगाओ लगाओ लगाओ, आप लगाओ लगाओ, ठीक है, और खुद मैं एक रुपया भी इन्वेस्ट ना करूं, ठीक है, तो वो भी गलत हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरी आपको, आप देखते होंगे कि कोई कोई मैच की वीडियो आती है, सभी मैचों की वीडियो मेरी ज्यादातर नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, मैं एक मैच को टारगेट करता हूं और उसमें ही फोकस रहता है, जिसमें मेरी पकड़ रहती है, जिस मैच में मेरी पकड़ नहीं रहती मैं उस मैच को नहीं लगाता हूं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको हारने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको भी यही सजेशन देता हूं कि आपको भी वही मैच लगाना है जैसे मैंने अब ये वीडियो डाला है। अगर आपको लगता है भाई मुझे नहीं पता लग रहा, मुझे प्लेयरों का नहीं नॉलेज है, मैं नहीं अच्छा कर पाऊंगा, अगर मैं खुद से टीम बनाऊंगा मुझसे अच्छा नहीं होगा, भाई इस मैच को नहीं लगाना है। फिर आपको कोई आपके मगर भागा नहीं है कोई पीछे, या आपके सर पर कोई तलवार नहीं लटकी कि भाई लगाना ही लगाना है मुझे, मुझे हारना ही हारना है किसी भी कीमत में, नहीं तो मेरी जो है रोटी हजम नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी है, पैसा आपका है, मेहनत की कमाई है, तो ऐसी लुटानी नहीं है। जिस मैच में पकड़ा है प्रॉफिट निकल के आएगा तो देखना है, नहीं आएगा तो भाई उस मैच को छेड़ना भी नहीं है। ठीक है, बाकी दोस्तों इतना कोई समझाता नहीं है, सिंपल सी बात है, सब अपना देखते हैं। मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि भाई मैंने काफी ज्यादा जो है लॉस वगैरह किए हुए हैं, और दूसरी बात है मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि असल में सिस्टम है क्या। असल में सिस्टम ये है ड्रीम इलेवन पर या किसी भी फैंटेसी ऐप पर, जिस मैच में आपको पता है ना, आपको, मुझे नहीं, आपको, आपको कितनी नॉलेज है, आपका सिक्स सेंस किसी मैच में कैसा है, उस मैच को हमेशा लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे जहां पर प्लेइंग 11 की। पहले प्लेइंग 11 समझ लेते हैं, THU वर्सेस SIX। ठीक है, तो बात करेंगे पहले सिडनी थंडर की, THU की। ठीक है, तो दोस्तों ओपनिंग में वैनक्रॉफ्ट और आपके एलेक्स हेल्स आने वाले हैं। ठीक है, इनका मैच पिछली बार भी हुआ था, तो मैंने पिछली बार भी ये मैच लगाया था। ठीक है, एलेक्स हेल्स को लेने के लिए बोला था, 67 पॉइंट दिए थे, ड्रीम टीम का हिस्सा बना था। बैंकक्रॉफ्ट को लेने के लिए बोला था, बैंकक्रॉफ्ट ने जहां पर 58 पॉइंट्स दिए थे, ड्रीम टीम का हिस्सा बना था। तो पिछले मैच में जो दोनों मेरी टीम में जो है ड्रीम टीम का हिस्सा थे, और ये दोनों मैंने रखे थे क्योंकि ये एलेक्स हेल्स पिछले मैच में फ्लॉप था, इसलिए मैंने बोला था कि इसको ट्राई करना, और बैंकक्रॉफ्ट को तो मैंने वैसे भी ट्राई करने के लिए बोला था। तो दो प्लेयर तो वैसे भी आपको पिछली टीम में आपको ड्रीम टीम के वैसे मिल गए थे, और मैंने आपको स्पेशली बोला था। ठीक है, और इनमें से एक बॉलर था जो कि फास्ट बॉलर था, जिसको मैंने बोला था कैप्टनसी देने के लिए, अगर वो खेल रहा होगा, वो दूसरी टीम के साइड से था, फास्ट बॉलर था, उसने लगभग 4 विकेटें ली थी। ठीक है, और जैक्सन विल्ड भाई गजब का प्लेयर है, हर मैच में पॉइंट्स दे रहा है, देख सकते हो आप हर मैच में पॉइंट्स, और सिलेक्शन देखो बंदे का कितना है, सिलेक्शन टोटली 64% है बॉल देखो, और जे डेथ में भी बॉलिंग डालता है, लगभग जे 17वां और 18वां ओवर, इसमें जे एक आधा ओवर डालने जरूर आता है दोस्तों, 17वां और 18वां दोनों में से एक ओवर जरूर डालता है जे, तो डेथ में इसको विकेट मिलने के चांसेस भी रहते हैं दोस्तों। ठीक है, एक ओवर है हाँ, जेड खान जे वाला भाई, इसने पिछले मैच में जे वाले मैच में भाई 101 पॉइंट दिया था, इसमें हमारा कैप्टन था जे, इसमें हमारा कैप्टन था, और गजब का किया था भाई इसने। ठीक है, फास्ट बॉलर होगा जहां पर, अगर आप देखो जा, हाँ फास्ट बॉलर है, देखो जे इसी की बात मैं कर रहा था, जे प्लेयर है भाई, गजब का करके गया था। तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई वीडियो को ध्यान से देखो, सिक्स सेंस अपना डेवलप करो, अच्छे से रिसर्च करो, सब कुछ होगा। ठीक है, और भाई दूसरी बात यह है कि बुरे कर्म करना छोड़ दो, सच में अगर अपने भाग्य का साथ चाहते हो ना, एक बात बता रहा हूँ, भाग्य का साथ चाहते हो ना, किसी की भी चुगली नहीं करनी है। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई कहाँ से कहाँ घुस गया जे, ये तो बता रहा था टीम के बारे में, ये तो उधर चला गया। देखो भाई ये रियलिटी है, देख लेना आप, कभी भी नोट डाउन करना, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, जब बुरा सोचोगे ना किसी के बारे में, पहले अपना हो जाएगा, पहले अपना हो जाएगा, और ये रियलिटी है, मैंने खुद आजमाया हुआ है, मैंने कई बार आजमाया हुआ है, ऐसा होता है, और आप भी देखना, आप चाहो चाहे मानो या ना मानो, अगर आप किसी का बुरा चाहोगे ना, तो अच्छे कर्म करो, कहने का मतलब ये है, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल जरूर मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, पर कल नहीं मिलेगा परसों मिलेगा, पर भगवान देख रहा है आपका काम बनेगा, जरूर बनेगा। अगर आज आप ड्रीम टीम ड्रीम इलेवन में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, कल आप अच्छा करने लग जाओगे,
और अच्छा भी ऐसा करोगे कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको लॉस भी नहीं होगा, कोस टू कोस रहेगा, मतलब एक दिन जीत रहे हो एक दिन हार रहे हो, एक दिन जीत रहे हो एक दिन हार रहे हो, ऐसा आपका चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 7 मैच लगातार हार गए और 8वां जीता फिर अगले 7 मैच हार गए, तो ये तो भाई नतीजा कुछ दूसरे कामों का भी होता है। तो सॉरी गाइस मैं उधर भटक गया था थोड़ा। तो जहां पर देखो बैंकक्रॉफ्ट और एलेक्सेल्स ये दोनों ओपनिंग करेंगे, वन डाउन पर कौन आने वाले हैं, वन डाउन पर आपके जसन सांगा, ठीक है, पिछले मैच में इन्होंने जहां पर वन डाउन पर आए थे दोस्तों, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे जे सांगा, देखो 5% सिलेक्शन के साथ मिल रहे हैं आपको, प्लेयर अच्छा है, वैसा देखा जाए तो प्लेयर खराब नहीं है पर अभी जो है फॉर्म में नहीं चला हुआ, ठीक है, पर 5% सिलेक्शन के साथ मिल रहा है, वन डाउन पर आया था। उसके बाद है ओलिवर डेविस, ठीक है, ओलिवर डेविस आपको जहां से देखने को मिलेगा, ओलिवर डेविस, ठीक है, प्लेयर काफी शानदार है ये भी, ठीक है, देख सकते हो आप 2 मैचों से लगभग 33 पॉइंट, 31 पॉइंट, पहले 53-60 थी, मतलब ड्रीम टीम का हिस्सा बनते बनते रहा है, नहीं तो अच्छा करता है भाई, प्लेयर अच्छा है, बैटिंग अच्छी कर लेता है। तो ये लगभग 4th नंबर पर आएगा दोस्तों, ठीक है, ये 4th नंबर पर आने वाला है। 5 नंबर की अगर बात करें, 5 नंबर पर कौन बैटिंग करने आएगा, तो वो रहेगा एलेक्स रोस, जहां से एलेक्स रोस, और 7 पर है आपका डेनियल सैम्स, जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में मिलेगा, भाई गजब का प्लेयर है, इसको भी हमने 22 कैप्टन दिया था, उसको कैप्टन, उसको 22 कैप्टन, दोनों मैच में देख लो भाई कितने कितने पॉइंट दे रहा है, भर भर के पॉइंट दे रहा है, लेफ्टी बॉलर है और गजब का प्लेयर है। मुझे समझ ये नहीं आती कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इसको बाहर क्यों रखा है, मुझे ये समझ नहीं आता, डेनियल सैम्स एक बेस्ट प्लेयर है भाई, ठीक है, पता नहीं क्यों इतना अच्छा करता है जो हर बार। बाकी देखा जाए डैनियल सैम्स, उसके बाद है सी ग्रीन, ठीक है, उसके बाद सी ग्रीन आने वाले हैं, तो उसके बाद है आपके नाथन मैकेंड्री, जो कि आपको बॉलिंग सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां से मैं अगर आपको बताऊं नाथन मैकेंड्री, ठीक है, ये जो प्लेयर हैं ये रहेंगे बॉलिंग सेक्शन में। तो उसके बाद दोस्तों बॉलर आना स्टार्ट हो चुके हैं, 3-4 मैचों से ये भी लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है दोस्तों। अब बात करेंगे सिडनी सिक्सर की, जैसे जहां पर हम बात करेंगे अब सिडनी सिक्सर की, तो उनके ओपनर बैट्समैन कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो उनके हैं जोश फ्लिप, जो कि आपको जहां पर देखने को मिलेंगे, जेम्स बिन्स, ठीक है, ये दोनों करेंगे दोस्तों ओपनिंग, ध्यान से देख लो इनको, ये सांगा को मुझे बाहर करना पड़ेगा 2 मिनट, जहां पर ये देख लो दोस्तों, ये दोनों करने वाले हैं ओपनिंग, ठीक है, पहले नंबर पर ये बैटिंग करने आएंगे दोनों। इनके आउट होने के बाद आएगा तीसरे नंबर पर, जो मैं आपको बता देता हूँ, तीसरे नंबर पर आने वाला है आपका डेनियल हक्स, जो कि बिल्कुल फ्लॉप रहा था पिछले मैच में, उस ये प्लेयर हमें मरवा कर गया था पिछले मैच में, मैंने इसको पिक किया था और ये कुछ नहीं करके गया था, 5 पॉइंट दिए थे इसने, मतलब ना ये इसने गेम खराब की थी हमारी सिर्फ, ठीक है, 2 मैचों से लगातार फ्लॉप चल रहे थे। उसके बाद है आपका मोजेस हेनरिक्स, जो कि आपको ऑलराउंडर सेक्शन में गजब का प्लेयर है भाई, गजब का सच में, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है। जॉर्डन सिल्क अच्छा प्लेयर है, ट्राई करके जरूर जाना है, ठीक है, ये आएगा आपका लगभग 5 नंबर पर, जॉर्डन सिल्क 5 नंबर पर, 4 नंबर पर ये मोजेस हेनरिक्स, ठीक है, दोनों प्लेयर अच्छे हैं, जॉर्डन सिल्क को भी काफी कम लोग लेकर जा रहे हैं, पर प्लेयर अच्छा है, इस मैच में अच्छा करके जा सकता है, देखो हर मैच में चल रहा था, पिछले मैच में ग्लोप है, इस मैच में चल सकता है, 53% सिलेक्शन के साथ मिल रहा है दोस्तों। जैक एडवर्ड्स की बात करें, गजब का प्लेयर है, ट्राई करना है, मैंने पिछले मैच में भी ट्राई किया था, 77 और 39 पॉइंट्स हर मैच में पॉइंट्स निकाल रहा है, ठीक है, तो ये कुछ इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है 6 नंबर तक। 7 की अगर बात करें तो फिर सीन अबाउट आने वाले हैं, जो कि आपको बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है, ये आपके 7 नंबर पर आएंगे। अब दोस्तों जहां पर बात करनी है कि भाई कौन कौन से प्लेयर, आप बोलोगे भाई आप किसके साथ जाने वाले हो, पहले आप बताओ, अपना बताओ आप, तो दोस्तों देखो पहले मैं अपना बताऊंगा, बाकी तो आप गोली मारो कि बाकी कौन कैसा जाएगा। देखो मेरा सिंपल फंडा रहेगा, मैं जो जाने वाला हूँ डेनियल सैम्स, मोजेस हेनरिक्स, ठीक है, एडवर्ड्स, ये प्लेयर मेरी टीम में रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। जहां से बात करें ड्यूवेरियस को मैं ट्राई कर सकता हूँ दोस्तों, हालांकि इसकी पिटाई काफी अच्छी हुई थी इस मैच में, -2 लगवाए थे, फिर भी अच्छा प्लेयर है, ट्राई करके चल सकते हो, पिछले मैच में भी इसको काफी नहीं फास्ट बॉलिंग को अगर हेल्प मिलती है तो विकेटें निकाल कर जा सकता है दोस्तों जी, ठीक है, तो सिलेक्शन काफी कम है, 66% लोग लेकर जा रहे हैं, हालांकि जेड खान, ड्यूवेरियस दोनों मेरी टीम में रहेंगे, जैक्सन वीड जे भी मेरी टीम में रहेगा, ठीक है। उसके बाद है कॉफी कैफी की अगर बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है नाथन मैकेंड्रयू, नाथन मैकेंड्रयू दोस्तों फास्ट डालता है पर काफी कम ऑडियंस लेकर जा रही है, ठीक है, क्योंकि पिटाई अच्छी खासी हो रही है, तो फिलहाल के लिए
सीन अबाउट को आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप जहाँ से जा सकते हो कॉफी कॉफ कैफे के साथ, ठीक है। उसके बाद बैटिंग की बात करें तो दोस्तों बैटिंग में अगर स्मिथ या वार्नर खेलते हो तो ट्राई करेंगे, नहीं तो जहाँ से हमारी टीम में रहेंगे ओलिवर डेविस, जॉर्डन सिल्क, ये जो प्लेयर है हमारी टीम में रहेंगे। उसके बाद है बैंक्रॉफ्ट और फ्लिप, ये जो प्लेयर है हमारी टीम में रहने वाले हैं दोस्तों। इस तरह की कुछ टीम रह सकती है, बाकी जहाँ से इसको ड्रॉप करके जहाँ से किसी और प्लेयर को ट्राई कर सकते हो बैटर्स में से, जैसे जहाँ से ऑलराउंडर या बैटर में से किसी को ट्राई करना चाहते हो तो जहाँ से ट्राई कर सकते हो, जैसे बैटर्स में से अगर जे विंस को ट्राई करना चाहते हो तो जे विंस को ट्राई कर सकते हो, एलेक्स हेल्स को ट्राई करना चाहते हो तो एलेक्स हेल्स को ट्राई कर सकते हो, इनमें से किसी को भी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो करके चल सकते हो। नहीं तो आप एक बॉलर से उठा सकते हो जहाँ से जो है सिडनी थंडर का, ठीक है, सिडनी थंडर का जो है जी संधु है और सांगा है, तनवीर सांगा और जहाँ से जे जो प्लेयर है आपका संधू, तो दोनों में से एक को अगर ट्राई करना चाहते हो तो करके चल सकते हो इस तरह से, ठीक है। बाकी कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी की बात करें कि भाई कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी किसको देना है, तो देखो दोस्तों ज्यादातर मुझे पता है डैनियल सैम्स को सभी कैप्टनसी देने वाले हैं, 52% जो है डैनियल सैम्स को कैप्टनसी दी जा रही है और देना भी चाहिए क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है तो दोनों साइड से पॉइंट्स देना लाजमी है, ठीक है। बाकी मोजेस हेनरिक्स का कैप्टनसी दी जा रही है, तो इसको जेड खान को भी जो है कैप्टनसी दी जा रही है, वाइस कैप्टनसी दी जा रही है, पर ज्यादातर जो ऑडियंस जा रही है जो इस तरह से जा रही है। देखो दोस्तों मैं आप सिंपल सा फंडा बताता हूँ, अगर आप सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रहे हो ना, अगर आप इन दोनों को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रहे हो ना, ठीक है, तो जहां से जो प्लेयर है ना इन पर रिस्क लेना स्टार्ट कर दो, जो बड़े प्लेयर हैं उनको बाहर कर दो और दो दो से तीन प्लेयर ऐसे रखो जिनका सिलेक्शन काफी कम है, जैसे नाथन मैकेंड्रयू, जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन से जो ऐसे प्लेयर हैं जिनको सिलेक्शन, जैसे नाथन मैकेंड्रयू कोई नहीं लेकर जा रहा 7%, ठीक है, जहाँ से सी ग्रीन कोई नहीं लेकर जा रहा 43% के साथ, ठीक है, फिर है आपका जहाँ से मैं आपको बताऊँ एलेक्स रोज काफ़ी कम सिलेक्शन है, डैनियल हक्स दो मैचों से फ्लॉप है कोई नहीं लेकर जा रहा, उससे पहले 78 पॉइंट दिए थे ड्रीम टीम का हिस्सा बना था, अब कोई नहीं लेकर जा रहा दो मैचों से फ्लॉप है, ठीक है। एक और प्लेयर है जे सांगा, ठीक है, ये भी प्लेयर काफी शानदार है पर कोई भी लेकर नहीं जा रहा, तो ऐसे कुछ प्लेयर हैं, एक दो प्लेयर ऐसे टीम में रखना जो कि रिस्की हो, ठीक है। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कुछ इस तरह से रह सकती है, बाकी बॉलर वाली वीडियो देख लेना, उसमें काफी अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।